जबलपुर प्रदेश कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीति और प्रदेश में व्याप्त अराजकता को लेकर भाजपा ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। वहीं जबलपुर के सिविक सेंटर वंदे मातरम चौक से पूर्व भाजपा कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और समर्थकों ने जन विरोधी नीतियों और अराजकता के विरुद्ध एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है। वचन पत्र में 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात कही गई थी, लेकिन आज तक एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। वहीं भू माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्यवाही को लेकर कहा कि भू माफियाओं की कार्यवाही में 14 लोगों को चिन्हित करके 40,000 मकान तोड़ दिए गए, जिसमें गरीबों के मकान भी शामिल है। वहीं प्रदेश सरकार सरकारी अफसरों पर चल रही है। प्रदेश में थाने नीलाम हो रहे हैं, अराजकता का माहौल है। मध्य प्रदेश के अंदर हरजनों को जिंदा जलाया जा रहा है और सुनने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री चैन की बंसी दाबोस में विदेश में बजा रहा है। मध्य प्रदेश में माफिया के सर पर अपने पगड़ी बांधकर 14 माफियाओं के चक्कर में 4,000 गरीबों के आशियाने तोड़ दिए। ये अतिक्रमण और माफिया में अंतर ही नहीं कर रहे, ये बिना इजाजत तो अतिक्रमण में अंतर नहीं कर रहे। अब ये स्थिति है तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। ये किसान को गुमराह कर रहे हैं, नौजवान के साथ धोखा दे रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के नौजवान को नशे का आदि बनाना चाहते हैं, शराब कोई होम डिलीवरी करना चाहते हैं, तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। INC 8 इंडिया न्यूज़ के लिए जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।